देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता एवं कुलमाता के दिव्य संरक्षण में तथा श्रद्धेय द्वय के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अपनी स्थापना वर्ष 2002 से ही भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को गढ़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रस्तुत है इसका ग्राम प्रबंधन विभाग। हमारे भारत की असल पहचान उसके गांव हैं। यह गांव ही तो हैं जो हर भारतीय को सदैव अपने जड़ों से जुड़े रहने की और एक सरल मगर उच्च जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पर आज शहर के चकाचौंध में देश के युवा इन गांव के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे हटते दिखाई देते हैं। ऐसे में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ग्रामीण भारत के विकास एवं उत्थान के विजन के आधार पर वर्ष 2017 से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रूरल स्टडीज एंड सस्टेनेबिलिटी के विषय को शामिल किया गया। विभाग अपनी स्थापना के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों को ग्रामीण विकास, बेरोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास से संबंधित समस्याओं पर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। यह ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल है जो जमीनी स्तर की समस्याओं को हल कर सकता है और गांव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यहां विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का सम्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कुटीर उद्योग के साथ साथ गौ उत्पाद, वर्मिंग कंपोस्टिंग, हस्त निर्मित कागज, स्क्रीन प्रिंटिंग, हथकरघा, कालीन बुनाई एवं गौ उत्पाद के लगभग 70 प्रायोगिक उत्पादों के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सभी सुविधाओं के साथ साथ विद्यार्थियों को कृषि उपज बाजार समिति, डेयरी प्लांट्स, जलाशयों, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र, बाजार चैनल, स्वास्थ्य केंद्र और हर्बल फार्म्स जैसे प्रैक्टिकल लोकेशंस पर नियमित फील्ड विजिट कराया जाता है। ऐसे एजुकेशनल टूर प्रशिक्षण का अभिन्न अंग रहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए विलेज सर्वे, रिसोर्स मैनेजमेंट, नारी जागरण जैसे विजनरी और कौशल बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। अंतिम वर्ष में सोशल इंटर्नशिप के माध्यम से जहां समाज को नजदीक से देखने का मौका मिलता है, वहीं अपने सीखे सामाजिक ज्ञान व कौशल को भी परखने एवं निखारने का अवसर मिलता है। इस आवासीय विश्वविद्यालय में अनुशासित दिनचर्या, योग, यज्ञ, ध्यान, प्रार्थना जैसे प्रयोगों के साथ गीता ध्यान एवं जीवन प्रबंधन की कक्षाएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के क्लीन, ग्रीन और सरीन परिसर में तप कर और इस विभाग से पढ़कर निकले विद्यार्थी गरिमामयी संस्थानों जैसे गांधी फाउंडेशन, नशा मुक्ति केंद्र, चेतना केंद्र और उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप भी इस विभाग तथा विश्वविद्यालय का हिस्सा बनकर अपने सर्वांगीण विकास के साथ ही समाज, राष्ट्र एवं पूरे विश्व के हित में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हो जाएं तैयार, क्योंकि नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर विभाग, विश्वविद्यालय एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।